पंजाब के गुरदासपुर में आतंकी हमले के बाद मंगलवार की सुबह फॉरेंसिक टीम दीनानगर पुलिस स्टेशन पहुंची और घटनास्थल पर पहुंचकर जरूरी सैंपल इकट्ठा किए। इन सैंपलों की मदद से इस पूरी आतंकी घटना के बारे में पुख्ता जानकारी प्राप्त की जा सकेगी और साथ ही ये भी पता चल सकेगा कि किस आतंकी संगठन का इसमें हाथ हो सकता है। घटना के बाद पुलिस स्टेशन के पूरे क्षेत्र को खाली कराकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। घटनास्थल की दीवारों पर साफ तौर पर गोलियों के निशान देखे जा सकते हैं। गौरतलब है कि सोमवार तड़के 3 आतंकवादी पुलिस की वर्दी में दीनानगर पुलिस स्टेशन में घुसे और अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। एक पुलिसकर्मी की पत्नी शांता इस घटना की चश्मदीद है, जो अपने परिवार के साथ दीनानगर पुलिस स्टेशन के नजदीक स्टाफ क्वार्टर में रहती है। इस घटना में शांता की बेटी आतंकियों की फायरिंग में बाल बाल बच गई। हमारे से पहले हमारी बेटी बाहर चली गई। बेटी ने बाहर जाने के बाद देखा कि कोई 3 आदमी थे, वो अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। 14 साल की थी। हाँ जी, जब वो एक हमारी तरफ से फायरिंग करना शुरू हो गया, 2 जड़े थे वो कमरे के अंदर जाना चाहिए, वहां से चले गए। फिर बेटी ने जब देखा तो फिर उसके पापा भी पीछे पीछे चले गए। आतंकी वारदात के समय शांता और उनके परिवार ने घर को खाली कर दिया था, लेकिन अब वो अपने घर को लौट चुके हैं। दूसरी तरफ उच्च प्रशिक्षित स्वात टीम ने 12 घंटों तक चले संघर्ष और 3 आतंकवादियों को मार गिराने के बाद पुलिस स्टेशन को खाली कर दिया है। उनका मानना है कि आतंकवादी उच्च प्रशिक्षित और आधुनिक हथियारों से लैस थे। We were also thinking before entering into the room, we were supposed to have 3 to 4 people, but in the end we found 3 terrorists inside dead. They have typical AK-47s with them. Yes, in sense of sophistication, they have a Chinese grenade with them. आतंकी हमले में शामिल आतंकवादियों की तस्वीर एक वीडियो फुटेज में सामने आई है। फुटेज में सुबह के समय आतंकी दीनानगर थाने से पहले पड़ने वाले एक नाके के पास से गुजरते दिख रहे हैं। इस नाके के पास स्थित एक डॉक्टर के मकान के बाहर ये CCTV लगा हुआ था। ये फुटेज महज कुछ सेकंड का ही है, जिसमें वो सेना की वर्दी में हथियारों से लैस नजर आ रहे हैं। इस बीच हमले के साइड इफेक्ट दिखने लगे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने हमले के बाद पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित के साथ प्रस्तावित मुलाकात को रद्द कर दिया है। ये मुलाकात 29 जुलाई को होनी थी। गुरदासपुर के दीनानगर में हुए इस आतंकवादी हमले के बाद मिले सुरागों से इस बात की पड़ताल की जा रही है कि किस आतंकवादी संगठन की ये करतूत है। जांच के बाद ही कई सारे अनसुलझे सवालों के जवाब मिल सकते हैं। हालांकि घटना के बाद दीनानगर में सामान्य जनजीवन पर कोई असर नहीं पड़ा है और आतंकवादी इस घटना के जरिए लोगों में खौफ पैदा करने में नाकाम रहे हैं। दीनानगर से पूनम अग्रवाल के साथ न्यूज़ नाइट डेस्क, DD News।